फुटबॉल का इस वक्त फीवर पूरी दुनिया में चल रहा है तो हमने भी सोचा कि हम भी अपने स्टूडियो में एक ऐसा प्रोग्राम करें जो फ़ुटबॉल से रिलेटेड हो तो फीफा वर्ल्ड कप की तरह जो कि हो रहा है हमने भी एक स्टूडियो में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है कि ऐसा लगे कि हम वहाँ पर मौजूद हैं मेरे पास इस वक्त फुटबॉल की दुनिया के पाकिस्तान के खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि कोचेज़ भी इंटरनेशनल लेवल के और इस लेवल के खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके कोचिंग भी कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं हमें फ़ख्र है अपने पाकिस्तान पे कि हमारी जो फ़ुटबॉल है हमारी टीम तो नहीं जा सकी मगर हमारी फ़ुटबॉल फीफा में खेली जा रही है मेड इन पाकिस्तान फ़ुटबॉल और दूसरा फ़खर हमें यह है कि हमारी आर्मी पूरे इस फीफा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है इससे हमारी दुनिया पे जो है पूरा बहुत बड़ा इमेज जा रहा है कि पाकिस्तानी फोर्स और पाकिस्तानी फ़ौज एक ऐसी फौज है जो दुनिया में किसी भी मुल्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है हमें फ़ख्र है अपनी आर्मी पे हम उसको सलाम कर आइए मैं अपना आपका तारुफ कराऊं अपने खिलाड़ियों से जो यहाँ मौजूद हैं और कोचेस से असल बासी साहब आप कैसे हैं अलह बासी साहब आप माशा से नेशनल बैंक के प्लेयर भी हैं और इंटरनेशनल लेवल के पाकिस्तान के प्लेयर हैं और आप स्वीडन क्लब और कराची क्लब के, के कोच भी हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं थैंक यू सर और ज़ुबैर साहब आप के से खेलते हैं आप भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं और पाकिस्तान से खेलते हैं और आप भी इंटरनेशनल लेवल के कोच हैं आपको भी हम वेलकम करते देखुण। हैं थैंक यू सर तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सवालत शुरू करते हैं आपसे तो क्योंकि आपको पता है फुटबॉल इस वक्त जो है क्रेज़ है दुनिया में तो हम भी चाहेंगे कि आपसे इसी तरीके से गुफ्तु करें और पाकिस्तान के मैार को जांचने की कोशिश करें कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारे पास फुटबॉल के जो है समझे एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं तो इनसे पूछते हैं कि इनका फेवरेट कौन है और ये वर्ल्ड कप कौन जीतेगा इस वर्ल्ड कप में तो मेरा फेवरेट है ब्राज़ील और क्योंकि इस बार तो ब्राज़ील एक न्यू स्टाइल से आया और काफ़ी यंग लड़के हैं इसमें ठीक है तो इस बार ब्राजील वर्ल्ड कप जीतेगा आपका फेवरेट प्लेयर कौन है मेरा फेवरेट प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है बेसिकली वो पुर्तगाल की तरफ से कहता है लेकिन सपोर्ट कर रहा हूँ ब्राजील को तो ब्राजील की अभी पोजीशन क्या है ब्राजील अभी तो क्वालिफाई कर चुके हैं राउंड ऑफ सिक्सटीन के लिए अच्छा आ, आप बताइए जुबेर साहब आपका सर आ, मेरा भी फेवरेट प्ले, आ, टीम जो है वो ब्राज़ील है अच्छा आ, लेकिन मेरा फेवरेट प्लेयर जो है वो लेनल मेसी है आ, जो कि अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं फेवरेट बाहर तो हो गए नहीं नहीं अर्जेंटीना बाहर नहीं है सर अच्छा। अर्जेंटी राउंड ऑफ सिक्सटीन के लिए बिल्कुल क्वालिफाई कर चुकी है ठीक है और राउंड ऑफ सिक्सटीन इन वो खेलेगी तीन तारीख को आ, और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ब्राजील को इस वर्ल्ड कप में क्योंकि ब्राज़ील की टीम और ब्राज़ील का गेम प्लेन जो है वो मुझे बहुत पसंद है उसके प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं और उनमें वो पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं मुझे लगता है कि ही सकते। आ, तो इनके कुछ बताएंगे एक तरफ से तो ब्राजील और अर्जेंटीना की चांसेस काफी ज्यादा है और दूसरी तरफ इंग्लैंड की चांसेस ज्यादा है अच्छा इंग्लैंड भी इसमें मतलब क्वालिफाई इंग्लैंड और स्पेन की चांसेस ज्यादा है आपका क्या कहना है सर मुझे लगता है की ग्रुप ए से तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना मुझे लगता है कि सेमीफाइनल्स तक आएंगे इन ठीक है और वहाँ से मुझे लगता है स्पेन और फ्रांस के भी चांस चांसेस होंगे क्योंकि फ्रांस भी लास्ट टाइम का चैम्पियन है और तो फ्रांस को हम लोगों को जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और फ्रांस की टीम काफ़ी अच्छी है मगर इस दफ़ा वर्ल्ड कप में बहुत सारे अपसेट्स हुए हैं बिल्कुल तो उनसेट्स के बारे में बताइए कि आप तवक़ो नहीं कर रहे तो वो अपसेट्स हो गए वो उनके बारे में बताइएगा अच्छा इस बार तो काफ़ी मैचेज सबसे पहले वर्ल्ड कप में हुआ सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को हराया वो तो हम भी खुश हुए थे और तो और भी ने अर्जेंटीना को हराया और दूसरी बात दूसरी मैच में ये हुआ है और तीसरा मैच जो कल हुआ था और परसों हुआ था जापान ने स्पेन को हराया जिससे जर्मनी बाहर हो गया मैं ये देख रहा था कि इतना माशाल्लाह हमारे सीनियर ये बैठे हुए हैं और इनके तजिये भी बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह ताला हम दुआ करेंगे कि आपकी जो फेवरेट टीम्स हैं और आपके जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा खेलें और गे, गेम होना चाहिए अच्छा खेल होना चाहिए ज़रूरत जो है ना अच्छे खेल की है हार जीत जो है वो एक ज़िंदगी का पार्ट है एक खेल का पार्ट है दो खेलते हैं दो लड़ते हैं तो एक उसमें हारता है एक जीतता है इसको जो है ना मनफी अंदाज में नहीं लें इसको हमेशा पॉजिटिव अंदाज में लें और कोशिश करें कि हमेशा जीत के लिए नहीं खेलें और अपना हंड्रेड परसेंट दें तो भाई साहब ये बताइए कि पाकिस्तान की टीम क्यों नहीं जा सकी और हमारे पास इस लेवल के प्लेयर हैं जो जाके इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबला कर सके पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि इसमें क्वालीफाई करने होते हैं ठीक अच्छा। है इसका एक लंबा प्रोसेस है सारे जो होते है, सारे हैं सारे ममालिक टीम खोलते हैं क्वालिफाई करने के लिए अच्छा इस तरह के एशिया से चार टीमें जाती है क्वालीफाई करने तो एशिया में काफी टीम है तो खेलते हैं तो उनमें से सिर्फ टॉप फोर जो होते हैं वो क्वालिफाई करेंगे वर्ल्ड कप के लिए जैसे कि इस बार है जापान है ऑस्ट्रेलिया है और ईरान है और एक दो और मुल्क है वो इस तरह के टीमें जो क्वालिफाई करके आ गए हैं तो इसमें पाकिस्तान का इस बार कंबोडिया से लूज हो गया वर्ल्ड कप क्वालीफाई राउंड अच्छा। में तो पिछले साल जो तो था लास्ट टाइम उस टाइम यमन के साथ ने पाकिस्तान ने क्वालिफाई राउंड अपने लॉस कर दिए तो इस वजह से क्वालीफाई नहीं कर पाया तो बहुत से टीमें ऐसे हैं जो क्वालिफाई करने के लिए जाते हैं तैयारी करते हैं लेकिन बदकिस्मती से क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो जैसे चाइना हो गया यू ए हो गया इससे इतने इतने बड़े बड़े टीमें हैं ये भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे इस वजह से क्योंकि एशिया से चार टीमें जाती हैं अच्छा तो हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो खेल सकते थे वर्ल्ड कप प्लेयर्स तो हमारे पास बहुत अच्छे हैं आ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के फुटबॉल का मैार जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है जितना अच्छा है और ज़्यादा अच्छा हो सकता है डिपेंड करता है कि उनको उसी तरीके से फैसिलिटेट किया जाए जिस तरीके से बाकी ममालिक प्लेयर्स जो है वो फैसिलिटेट होते हैं और जज्बा जिस तरह पाकिस्तान के प्लेयर्स में है जैसे कि आप समझ सकते हैं कि फुटबॉल अब फीफा चल रहा है वर्ल्ड कप चल रहा है पूरी दुनिया में जिस तरह का क्रेज़ है ना वो इस पाकिस्तान में भी वही क्रेज़ बल्कि उससे ज़्यादा क्रेज़ आपको जो है वो मिलेगा पाकिस्तान के फुटबॉलर्स में और पाकिस्तान की आवाम में जो जितना फ़ुटबॉल को पसंद करती है जितना फ़ुटबॉल को वो लाइक करती है और खेलना पसंद करती है और प्लेयर्स में बिल्कुल इस तरह का पोटेंशल है कि वो वर्ल्ड कप की तरफ जा सकें लेकिन सिर्फ बदकिस्मती से उनको वो फैसिलिटेशन नहीं मिल सकती जो उनको मिलनी चाहिए फिर दूसरा सवाल ये बनता है आपसे कि ये बताइए कि जब पाकिस्तान के प्लेयर हमारे इतने टैलेंटेड हैं आप लोग इतने टैलेंटेड हैं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि हमने जो है वो इंग्लैंड से कोचेज़ आपको ट्रेन करने आए और आपको ट्रेनिंग दी जरा तो इसके बारे में मुझे ब्रीफ़ बताइएगा क्या प्रोग्राम था वो और इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ अच्छा ये जो है स्वीडन टोन फुटबॉल क्लब जो है इंग्लैंड का बी डिवीजन का टीम है जो वहाँ पे बेसिकली प्रोफेशनल लीग में खेलते हैं तो हम लोगों ने एक ब्रांच ओपन किया है यहाँ पे पाकिस्तान में जिसमें यहाँ पे स्वीडन टोन और कराची एफ के नाम से ये रन कर रहे हैं जिसमें 23 स्टूडेंट हैं जो हम उनको ट्रेन कर रहे हैं एज अ कोच में और जुबेर भाई जो इस टीम को रन कर रहे हैं तो बेसिकली हम यहाँ से प्लेयर तैयार करके उनको फॉरवर्ड करते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है यहाँ से हर साल दो प्लेयर लेकर जाएंगे अपने वहां पे देते हैं। तो वहाँ पे अपने बड़े टीम के लिए उनको तैयार करके अपने सीनियर टीम में <गणाल> तो ये सब प्रोग्राम MAU, MAU, प्रोसेस करवाया है कराची सर साहब ने। अच्छा, उनके बहुत ज्यादा ज़्यादा शुक्रगुजार हैं के उन्होंने ये इनिशियटिव लिया और पाकिस्तान के बच्चों के लिए ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्लेयर को या किसी भी कोच को इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला हो कि वो प्रोफेशनल फ़ुटबॉल कोचिंग सीखे और प्रोफेशनल जो है वो फ़ुटबॉल प्लेयर बन के दिखा सके जो ये कमिश्नर कराची के जो इनिशिएटिव ने ये जो काम किया है इनशाला ये रंग लाएगा और जो मेहनत हम कर रहे हैं और जो मेहनत हमारे बच्चे कर रहे हैं तो इन ये प्रोसेस हमारा इनशाला सक्सेसफुल होगा अच्छा मुझे कुछ ये बताइएगा कि आप लोगों के जो है ना वो इंग्लैंड के वीज़े लगे हैं और आप लोग कोचिंग में जाएंगे मैं उस सेरेमनी में था मौजूद तो मेरे सामने ही इकबाल मेमन साहब कर, कमेंट से कराची जो उनके व्हाट्सअप पे मैसेज आया था कि आप लोगों के वीज़े लग गए तो सर एक खुशी का मुकाम था हम सब सबने सेलिब्रेट भी किया था तालीम वजह तो वो वो बताएं वो क्या प्रोसेस था कैसे ये सब एम हुआ और आप लोगों के जाने का प्लान बना और फिर आ, मजीद जो भी बात है वो बताइएगा बेसिकली क्या फ्यूचर है बेसिकली ये हुआ था एक मैच हुआ था स्वीडन टोन फुटबॉल क्लब के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आए थे जेवियर ऑस्टान उन्होंने एक मैच यहाँ पर फिक्स किया था तो कराची के हमारे जितने लड़के थे वो वहाँ पे आए थे मैच देखने तो उसने वहाँ पर दो तीन लड़के सेलेक्ट किए अपने स्वीडन टोन फुटबॉल क्लब के लिए तो फिर उन्होंने कहा हम आएंगे एक कोचेस लेकर आएंगे यहाँ पर और टीम बना के यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि फिर उस टीम से हम प्लेयर लेकर जाएंगे अपने स्वीडेंड और फुटबॉल क्लब के लिए तो बेसिकली एक महीने बाद वो यहाँ पे रहा है छह बच्चे थे के स्टेडियम पे तो उनमें से हम लोगों ने ट्वेंटी बच्चे सेलेक्ट कर दिए जो कि अभी हमारे साथ थे हैं। फिर उन्होंने अगले बार आए तो उन्होंने लोगों ट्वेंटी थ्री कर दिए इसी तरह कोचेस तीन महीने में यहाँ पर आते हैं हमें प्लान दे के चले जाते हैं तो इस बार हमारे तो उन लोगों ने कहा कि हम दो कोचेज भी यहाँ से लेकर जाएंगे जो स्वीडन टू फुटबॉल क्लब का जो मेथड है उनका जो गेम स्टाइल है क्लब का जो स्टाइल है खेलने का क्लब का है टू जेड जो है वो हमें सिखाने वहाँ पर जा रहे हैं हम लोग तो हम सीख के आएंगे तो उस क्लब को उसी के मुताबिक इन बच्चों को उसी के मुताबिक ट्रेनिंग कराएंगे तो ये बच्चे यहाँ से जब वहाँ पर जाएंगे फिफ्टी तो परसेंट उस क्लब के मेटर को सीख कर जाएंगे अच्छा ये बताइए कि एक बच्चा जिसको दिलचस्पी है कि वो फुटबॉल खेले तो उसे किस उम्र में कि किस एज में उसको जो है फुटबॉल की दुनिया में या ग्राउंड में कदम रखना चाहिए सर मैं समझता हूँ कि बच्चे की स्कूलिंग सिस्टम जो अब जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसी स्कूलिंग सिस्टम में ही बच्चे को जो है वो एक्टिव कर लेना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए क्योंकि जब बच्चा पढ़ाई के लिए एजुकेट किया जाता है बदकिस्मती से पाकिस्तान में फुटबॉल को एजुकेट नहीं किया जाता फुटबॉल सिर्फ खेलने की हद तक जो है होता है उसको खेला जाता है उसको पढ़ा नहीं जाता मैं समझता हूँ अगर बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने के साथ साथ अगर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में उनके स्पोर्ट्स को भी प्रमोट किया जाए और उनको वो स्पोर्ट्स पढ़ाया जाए जिस तरीके से और सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं स्पोर्ट्स को फ़ुटबॉल को पढ़ाया जाए तो बच्चे इस फ़ुटबॉल को खेलने के साथ साथ फ़ुटबॉल को अच्छे से समझकर और प्रोफेशनली इस फ़ुटबॉल को आगे रन करके पाकिस्तान का नाम रोशन करने का पोटेंशियल बिल्कुल रखते हैं सर देखिए आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो है ना वो अपने वीडियो गेम की तरह अपने मोबाइल्स पर ही जो है ना वो फ़ुटबॉल खेल रहते हैं वो चंद कदम भी नहीं दौड़ सकते तो आप जो ट्रेनिंग कराते हैं आप कोच हैं जाहिर बात है तो आप जो ट्रेनिंग कराते हैं तो आपकी ट्रेनिंग किस टाइप की होती है मतलब फिज़िकल ज़्यादा होती है या उनको स्पोर्ट्स ज़्यादा कराते हैं या क्या होता है उनका किस तरीके से आप उनको इनिशियली लेके चलते हैं कि किस तरीके से आपने कितने घंटे ट्रेनिंग करनी है कितने घंटे आपने जो है गेम खेलना है ये डिपेंड करता है एज वाइज के जैसे हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं दस साल के बच्चे हो गए और बारह साल इनको हम एक्टिविटी कराते हैं गेम कराते हैं इनके साथ हम स्टेमिना वाइज ट्रेनिंग नहीं करा सकते क्योंकि ये तो छोटे होते हैं इनको हम एक्टिविटी कराते हैं बॉल कैसे किक करते हैं रिसीव कैसे करते हैं बॉल के साथ टर्न कैसे करते हैं मूव कैसे करते हैं ये चीजें सिखाते हैं तो अंडर सिक्सटीन अंडर एटीन हो गया जो इवेंट के लिए हम जाएंगे खेलने तो उस प्लेयरों के ऊपर हम स्टेमिना वाइज काम करते हैं क्योंकि स्टेमिना इम्प्रूव हो गेम प्लान के मुताबिक उनको खेलना चाहिए अच्छा स्टैमिना की बात की तो एक फ़ुटबॉल के प्लेयर की लाइफ कितनी होती है अगर जैसे वो उसने कदम रखा पंद्रह साल या चौदह साल की उम्र में कदम रखा फ़ुटबॉल में और मेच्योर होने होने तक मतलब कितने साल खेल सकता है उसकी क्या लिमिट है क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लेयरों को देखा कि वो जब रिटायर हुए तो उसके बाद उनके बॉडी जो है काफ़ी फ़ैट हो गई और वो काफ़ी जो है ना बल्कि हो गए जैसी उन्होंने गेम छोड़ा तो इसकी क्या वजूहत हैं एजे क्योंकि वजूहत मुझे लगती है कि एक प्लेयर जब चौदह साल की उम्र में या पंद्रह साल की उम्र में जो है वो स्पोर्ट्स ज्वाइन करता है तो उसकी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाती है और ट्रेनिंग के साथ साथ उसकी डाइट स्टार्ट हो जाती है तो ट्रेनिंग विद डाइट वो प्रॉपर फॉलो करता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो फिट रहती है जैसे वो फ़ुटबॉल छोड़ देते हैं फ़ुटबॉल से रिटायर्ड हो जाते हैं तब उनकी ट्रेनिंग सेशंस ख़त्म हो जाती हैं सिर्फ वो खा रहे होते हैं और खाने से जो है वो आपकी बॉडी जो है वो फैट की तरफ चली जाती है इसी वजह से मतलब वो अनफिट हो जाते हैं तब तो मतलब फ़ुटबॉल खेलने के काबिल नहीं होते इसी वजह से वो फैट फिट एक फुटबॉलर है यह यंग बच्चा है समझिए चौदह पंद्रह साल का है तो उसे क्या डाइट लेना चाहिए और दिन में कितनी दफ़ा एक्सरसाइज करना चाहिए और क्या करना चाहिए कि वो फिट भी रहे और उसकी जो है ना मसद वीकनेस वगैरह उसको ना हो और वो जो है वो अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे और उसकी बॉडी जो है इस काबिल हो कि वो खेल सके बेसिकली स्पोर्ट मैन को तो अपनी डाइट का खुद ख्याल करना चाहिए जो स्पोर्ट मैन के जो खुराक होते हैं हो है। वो नॉर्मल होते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर स्पाइसी चीज़ें हैं बाहर की चीज़ें हो गए वो नहीं खा सकते जो उनके अपने प्रोटीन हो गए ये सब ज़्यादा जो बॉडी को बर्न करने वाली चीज़ जो प्लेट खाने वाली चीज़ें उनसे दूर रहना चाहिए जो ज़्यादा फ्रूट हो गए हैं चोर और चीज़ें होंगे उनके ऊपर ज़्यादा तोज्जा देना चाहिए तो उसके स्टेमना उसकी बॉडी और उसकी स्ट्रेन में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा आम लेवल के बंदे के हवाले से अच्छा आप देखिए ये खेल है लोग बॉक्सिंग भी करते हैं लोग जो हैं वो रेसलिंग भी करते हैं और जुडो कराटे भी करते हैं किक बॉक्सिंग वगैरह भी करते हैं तो आपका जो गेम है इसमें मैंने देखा बड़ी ज़बरदस्त चोटें भी लगती हैं और इना ईरान का मैं मैच देख रहा था तो उसमें उसके गोल को मुंह में पे चोट लगी और इतनी ज़बरदस्त चोट लगी कि उसको ग्राउंड से बाहर होना पड़ा और फिर ईरान ने छः गोल खाए तो आपके जो प्लेयर होते हैं जो खेल रहे होते हैं उनको जब कोई इंजरी होती है वगैरह वगैरह तो उसको वो कैसे जो है ना इम्प्रूव करते हैं आप उसको या कोई फ्रैक्चर हो जाता है वगैरह वगैरह तो कितने दिन में वापस ग्राउंड में आ सकता है प्लेयर और वो जो दवाइयाँ खाता है उससे तो उससे कोई डूबी टेस्ट वगैरह को तो कोई मसला नहीं होता नहीं सर क्योंकि प्लेयर जब इंजरी होता है तो डिपेंड करता है कि प्लेयर्स की इंजरी किस टाइप की है अगर उसको छोटी सी इंजरी हो गई है जैसे कि उसके एंकल में चोट आई है छोटी सी तो फिर वो माइनर सी चोट है जो कि वो सेट हो जाता है एक हफ़्ते में दो हफ़्ते में ठीक है अब डिपेंड करता है जितनी बड़ी आपकी इंजरी होगी उतना ज़्यादा आपको वक्त लगेगा रिकवर करने में जैसे ही आप रिकवर हो जाते हैं तो फिर आप स्लोली जो है वो ग्राउंड के अंदर एंटर करते हैं आप जॉगिंग से स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद स्लोली स्लोली जो है वक्त के साथ साथ जब तक आपकी इंजरी प्रॉपर ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको दोबारा फुटबॉल खेलना आ, मेरे अलाउड नहीं होता क्योंकि अगर आप इस चोट के साथ इस दर्द के साथ खेलेंगे तो फिर आपकी फ़ुटबॉल का जो मैार होगा वो वो परफॉर्मेंस आप नहीं दे सकते जो आप देना चाहते हैं तो परफेक्टली आपको फ़िट होना पड़ेगा दोबारा से रिकवर होना पड़ेगा उसके बाद ही आप दोबारा वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं जो आप देने की ख्वाहिश रखते हैं मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ थैंक यू सर और इनसे जो है ना नेक्स्ट इन शाला कोई प्रोग्राम होगा हम ज़रूर इनको दावत देंगे Thank you. Thank you. और हम एक आ, हमारा स्पोर्ट्स चैनल है उस पर हम कोशिश करेंगे कि इनसे बच्चों को कोचिंग की जो है ना टिप्स वगैरह के लिए कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें और इनको हम ज़रूर मदद करेंगे शुक्रिया आप दोनों का मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू सर शुक्रिया अल्लाह हाफिज़